આજે વર્ગમાં વિષયની તેમાં કાવ્ય થયું છે કાયના હોય બસ બાસુ કે કાનો એટલે કાનો ને ગયો બસ વાસુરીનો તો પેલા આપણે વિષય પ્રવેશ કરી તો કે કૃષ્ણ કે પ્રતિ दर्शन की भक्ति भावना प्रस्तुत दोनों कवितों में दर्शकान ने कृष्ण की बांसुरी को लेकर गोपियों के मन में उपजे शोकिया डाह की भावना का मान वर्णन किया है। प्रथम कवित में गोपियों कृष्ण की बांसुरी से ईर्ष्या करते हैं और बांसुरी द्वारा लेने के कारण विव्रत चक्कर भाग जाना चाहती है। दूसरे कवि में यानी कि बीजी पंक्ति में कृष्ण का स्वांग करने वाली गोपिया कृष्ण की बांसुरी को अपने होठों पर रखने से इनकार कर देती है क्योंकि बांसुरी को वे अपनी शोधन मानती है। कविता का सार आपको चाहिए। पहली पंक्ति से हमेशा कृष्ण के पास रहने वाली गोपिया कृष्ण की बांसुरी से ईर्ष्या करके हुई कहती है कि कान्हा को बांसुरी ने अपने वश में कर लिया है। वे कहती है कि हे शकी अब कृष्ण हमें क्यों चाहेंगे, यह बांसुरी हम हमेशा उनके साथ लगे रहेंगे, यह रात दिन हमें कोस देते हैं यानी कि दुख दिए थे, यह हम यह शोकिया रात क्यों शरीर। इस बांसुरी ने श्री कृष्ण को मोहित कर दिया है, वह हमें श्रद्धा जलाती रहे। आओ हम सब व्रत छोड़कर भाग जाए, हमारा स्थान अब इस बांसुरी ने ले लिया है, अब वो तो ब्रज में बस ही बांसुरी ही रहेगी। ब्रज में हमें कौन रह सके, हमें तो आपने बता दो व्रत छोड़ी ने जता रहे कौन, हमें ब्रज में खाली बांसुरी निवासी रहे। गोपियों के जे के गोपियों जे हमेशा कृष्ण की पासे रहवा वाली छे અને વાસરી છે તેની ઈશા કરે છે ગોપીઓ અને તે કારણ છે એને વસ્તુ